हेलो फ्रेंड्स, 35 स्टैंडर्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं द फेरी क्वीन के, कैंटो वन के। अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अभी तक हमने जो देखा है वो ये कि जो रेड क्रॉस नाइट है वो उना के साथ जा रहा है उना के पेरेंट्स को ड्रैगन से छुड़ाने के लिए। एरर को उसने मार दिया है रेड क्रॉस नाइट ने। आर्किमेगो जो कि आर्च मैजिशियन है वो मिला है उससे एक सेंट के रूप में, एक होली मैन के रूप में। ऑफकोर्स वो एक डिसेप्टिव कैरेक्टर है, वो डिसेप्शन में डील करता है, वो मैजिक में डील करता है, वो आर्टिफिशियल चीज़ों को और फॉल्सहुड में डील करता है, उन चीज़ों को वो क्रिएट करता है, राइट। तो वो पोप को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, वो कैथोलिक रिलीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो स्पेनिश किंग को भी रिप्रेजेंट कर रहा है ना। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि ये 1590s में लिखी गई किताब है, पोएम है द फेरी क्वीन, और सिर्फ 20 साल बाद ही 1618 से लेके 1648 तक 30 ईयर वॉर होगी जो कि प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक के बीच में होगी। यानी कितनी स्ट्रॉन्ग एनिमोसिटी है इन दोनों सेक्ट्स के बीच में जो कि क्रिश्चियन रिलीजन को ही बिलोंग करते हैं, वो हम इस बात से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। और कितना स्ट्रॉन्ग हिट है कैथोलिक रिलीजन में एडमंड स्पेंसर की तरफ से जो कि प्रोटेस्टेंट एंगल से लिख रहा है। और ये भी हमें पता होना चाहिए कि जो इंग्लैंड है वो एक प्रोटेस्टेंट कंट्री, एंग्लिकल चर्च को बिलोंग करती है इंग्लैंड। जो रेड क्रॉस नाइट है वो होलीनेस को रिप्रेजेंट करता है, उना जो है वो ट्रुथ को रिप्रेजेंट करती है। जब तक ये दोनों साथ में रहेंगे तब तक कोई इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन आर्किमेगो जो है उसका सारा का सारा अब एफर्ट इसी तरफ है कि दोनों को अलग किया जाए, दोनों को सेपरेट किया जाए। तो उनको अपने कॉटेज में लेके आ गया है। काफ़ी लंबी बातें चल रही है उनकी और उनकी रिलीजन के बारे में काफ़ी लंबी बातें चली हैं। उसने कन्विंस कर दिया है कि मैं सेंट हूँ, मेरे जो विचार हैं बहुत अच्छे विचार हैं, और अब वो थक गए हैं तो अब वो सोना चाहते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग 36 अपना जो पैराग्राफ है उसको हम शुरू करते हैं। द ड्रूपिंग नाइट दस क्रेप्ट ऑन देम फास्ट, और ड्रूपिंग का मतलब नींद आने वाली जो नाइट है, दैट क्रेप्ट देम ऑन फास्ट। अब वो धीरे धीरे करके आई और उनको नींद आने लगी। अब उनका डे जो था बड़ा हेक्टिक डे था, काफ़ी एडवेंचरस डे था, तो अब दोनों को नींद आ रही है। एंड द सैड ह्यूमर लोडिंग देयर आईलिड्स, और उनकी आंखें भी जो हैं अब भारी होने लगी हैं, अब नींद आने लगी है। एस मैसेंजर ऑफ मॉर्फस ऑन देम कास्ट स्वीट स्लॉम्बरिंग ड्यू, तो मॉर्फस जो है दैट इज द ग्रीक गॉड ऑफ स्लीप एंड ड्रीम। तो मॉर्फस से ही मॉर्फिन भी बना है। मॉर्फिन का मतलब वो पेन किलर होती है जो सीधे हमारे दिमाग में असर करती है, चोट को तो ठीक नहीं करती है पर हमें ऐसा एहसास दिलाती है कि भाई दर्द ना हो। सेकेंड वर्ल्ड वॉर की अगर आपने कुछ मूवीज़ देखी हो तो उसमें जो घायल सोल्जर होता है उसका जो साथी होता है वो डॉक्टर को चिल्लाएगा, डॉक्टर मॉर्फिन मॉर्फिन, मतलब मेरे साथी को आप मॉर्फिन दो, वो काफ़ी पेन में है, राइट। तो एज मैसेंजर ऑफ मॉर्फस ऑन देम कास्ट द स्वीट स्लॉम्बरिंग ड्यू, तो यहाँ पे कहा गया है कि जो मैसेंजर आया है उस मैसेंजर मॉर्फस के से सीधे आया है और उसने इन दोनों पे एक अपना एक कास्ट किया, एक स्पेल, एक चार्म कास्ट किया ताकि उनको नींद आने लगे। कुल मिला के अब उनको नींद आ रही है। द विच टू स्लीप देम बिड्स, अब नींद का टाइम हो गया है। अनटू देयर लॉजिंग देन हिज गेस्ट ही राइड्स, तो आर्किमेगो जो है अपने गेस्ट को लेके जा रहा है उनकी लॉजिंग में। अभी तक वो बात कर रहे थे, जहाँ पे भी उनको सोने का होगा वहाँ पे उनको वो लेके जाता है। वेयर When all drowned in deadly sleep he finds, he to his study goes. अब जब उसने देख लिया है कि भाई ये deadly sleep में, बहुत गहरी नींद में दोनों के दोनों सो गए हैं, he to his study goes. अपने study room में वो जाता है and there amidst his magic books and arts of sundry kinds. वहाँ पे उसने magical books रखी हुई हैं और art में वो deal करता है, वो falsehood में वो deal करता है उन books में। ऑफ सनड्राई काइंड्स का मतलब होता है, सनड्राई का मतलब होता है डिफरेंट बुक्स, कई बुक उसने रखी हुई है, उनमें से वो ढूंढता है। ही सीक्स आउट माइटी चार्म्स टू ट्रबल स्लीपी माइंड, उनमें से वो चार्म्स निकालता है यानी मंत्र वगैरह निकालता है और उन मंत्रों से उसको क्या करना है, वो जो स्लीपी माइंड है जो चैन से इस समय थक के सोए हुए हैं दोनों के दोनों, उनके माइंड्स को उसने ट्रबल करना है, राइट। तो ये हमारा 36 पैराग्राफ होता है। नेक्स्ट पैराग्राफ शुरू करते हैं। Then choosing out few words most horrible, और फिर उसने वो जो बुक्स निकाली उन बुक्स से उसने कुछ few words निकाले और उसका उसने एक मंत्र बनाया, चाम बनाया, let none them read, और कोई इतने horrible वो words थे कि कोई उसको पढ़े ना।
देर ऑफ दैट वर्सेस फ्रेम, और से उसने फिर एक मंत्र बनाया विद विच एंड अदर स्पेल्स लाइक टेरेबल ही बैट अवेक ब्लैक प्लूटोस क्रिस्ली डेम, और भी जो उसके पास स्पेल्स थे या चार्म्स थे वो जो कि बहुत ही टेरेबल थे, उनको मिला के फिर उसने एक संदेश भेजा ब्लैक प्लूटोस की ग्रिसली डेम को, उसने अवेकन किया उसने उन मंत्रों से। सो प्लूटो जो है वो अंडरवर्ल्ड का किंग है, जो नीचे जो हेल है उसका किंग, हेल को हेड भी बोलते हैं, JDES हेड्स भी बोलते हैं, तो वो आप याद रखिएगा उसका जो किंग है वो प्लूटोस है, प्लूटो है, और उसकी जो वाइफ, उसकी जो डेम, उसकी जो वाइफ है उसका नाम है परसेफोन, या प्रोसरपाइन भी बोलते हैं, या परसेफोन जो है उसकी डेम है, तो उसको उसने अवेकन किया उन मंत्रों से। एंड कर्स्ड हेवन एंड स्पेक रिप्रोचफुल शेम ऑफ हाइएस्ट गॉड, हेवन को वो कर्स करता है आकीमे को, और स्पेक या स्पीक करता है वेरी रिप्रोचफुली, इन वेरी एंग्री एंड ऑफेंसिव वर्ड्स यूज करता है, एंड वेरी शेमफुल वर्ड्स यूज करता है अगेंस्ट द हाइएस्ट गॉड, द लॉर्ड ऑफ लाइफ एंड लाइट। तो जो हेवनली गॉड है वो तो लाइफ के साथ और लाइट के साथ एसोसिएटेड है, तो आप यहाँ पे देखिए वर्ड लाइट यूज किया गया है गॉड के साथ, क्योंकि गॉड को कोई दिक्कत नहीं है बाहर आने में, गॉड को कोई दिक्कत नहीं है, मतलब वो तो पवित्रता का रिप्रेजेंटेटिव है, जबकि प्लूटो का जो काम है नेफोरियस काम है वो, और नेफोरियस मतलब विकेट काम है, हर चीज़ जो कि गलत होती है उसके साथ एसोसिएटेड होता है प्लूटो, तो वो फिर ब्लैक, और ये सारे काम क्या है डार्कनेस के साथ एसोसिएटेड होते हैं, डार्कनेस में ही किए जाते हैं, राइट। अ बोल्ड बैड मैन दैट डेयर टू कॉल बाय नेम ग्रेट गैगॉन प्रिंस ऑफ डार्कनेस इन डेड नाइट। तो अब बोल्ड बैड मैन किसको कहा गया है, या आर्किमेगो को कहा गया है, जिसमें कि इतनी हिम्मत है एंड डेयर टू कॉल बाय नेम कि वो नाम से बुला सके एक ग्रेट डेविल को, ग्रेट गॉर्गन प्रिंस ऑफ डार्कनेस इन डेड नाइट। सो ये गॉर्गन जो है वो प्रिंस ऑफ डार्कनेस है, डेड नाइट है, यानी अंडरवर्ल्ड का प्रिंस है, उसको वो नाम से बुला रहा है, इसका मतलब वो वाकई में उसमें हिम्मत होगी आर्किमेगो में। एट विच कोकाइटस क्वेक्स एंड स्टेक्स इज पुट टू फ्लाइट। तो यहाँ पे दो नाम दिए गए हैं रिवर ऑफ अंडरवर्ल्ड के, हेड्स के दो रिवर हैं, अंडरवर्ल्ड का मतलब हो गया हेड्स जगह है, उसकी दो रिवर्स है, कोकाइटस है और स्टेक्स है। तो जैसे ही वो गोगोन जो डेविल है उसका नाम सुनती है, तो एक कोकाइटस तो कांपने लगती है क्विक, और स्टेक्स इज पुट टू फ्लाइट, वो भागी जाती है। तो इसका मतलब जो आर्किमेगो है वो एक बोल्ड मैन है, करेजियस मैन है, राइट। 38th स्टैंजा अब हम शुरू करें। एंड फोर्थ ही कॉल्ड आउट ऑफ डीप डार्कनेस ड्रेड लीजन्स ऑफ स्पिरिट्स, और फिर फोर्थ का मतलब जल्दी उसने बुलाया, कॉल किया, क्योंकि उसने वो जो मंत्र का जो यूज किया था उस मंत्र से, उस स्पेल से, उस चार्म से उसने फिर बुलाया, ऑफ डीप डार्कनेस ड्रेड, काफ़ी डीप डार्कनेस से उसने बुलाया, जो ड्रेडफुल डार्कनेस थी वहाँ से उसने बुलाया, लीजन्स ऑफ स्पिरिट, स्पिरिट्स को बुलाया उसने, पर यहाँ पर लीजन्स यूज़ किया गया, यानी काफ़ी सारे यूज़ किया गया है। लीजन्स मतलब जैसे रोमन लीजन्स होते थे रोमन एम्पायर में, यानी सोल्जर्स होते थे, और ऐसे इसका यहाँ पर लीजन्स का यूज़ करने का मतलब हुआ कि वो कोई स्पेशल मिशन के लिए थे। द विच लाइक लिटिल फ्लाइज फ्लटरिंग अबाउट हिज एवर डैम्ड हेड, और वो आए जल्दी से, वो आए और उसके सर के ऊपर मंडराने लगे, वैसे ही जैसे कि यहाँ पे सिमिली का यूज़ किया गया, जैसे कि जैसे फ्लाइज जो होती हैं कभी हमारे सर के ऊपर मंडराने लगती हैं, इसी तरीके से वो भी मंडराने लगे, फ्लटरिंग ओवर इज एवर डैम्ड हेड, क्योंकि अब वो आर्किमेगो जो है वो ब्लैक मैजिक के साथ एसोसिएटेड है, तो फिर वो डैम्ड ही है, उसको हेल में ही जाना है। अब वेट वेयर टू देयर सर्विस ही अप्लाइज, और अब वो वेट कर रहे हैं उसके सर के ऊपर कि वो कहाँ पे आर्किमेगो जो है वो कहाँ पे उनको एम्प्लॉय करता है, टू एड हिज फ्रेंड्स और फ्रे हिज एनिमीज, या तो वो अपने फ्रेंड्स को एड करने में उनको लगाएगा कि उनकी मदद करने में लगाएगा, और या फिर उनको एनिमीज को जो है उनको फ्राइटन करने में वो लगाएगा, इस काम में लगाएगा। ऑफ दोस ही चोज आउट टू द फॉल्सेस्ट टू, अब इनमें से इतने सारे जो लीजन्स आए हुए थे, इतने सारे जो स्पिरिट्स आई हुई थी, उसमें से उसने दो चुना, और वो कौन दो थे, जो कि फॉल्सेस्ट टू थे, जो सबसे झूठे जो थे उनको उसने चुना, एंड फिटेस्ट फॉर
टू फोर्ज ट्रू सीमिंग लाइज़, और वो फिट थे इस तरीके से इन्वेंशन करने के झूठ को कि झूठ भी सच लगे। तो इसमें उनकी मास्टरी हासिल थी और इसको आर्किमेगो ने चूज़ किया, क्योंकि उसका जो काम अब पढ़ने वाला है, हमेशा से उसका काम यही पढ़ता है, गलत ही पढ़ता है, पर इस बार जो काम है वो ज़्यादा सीरियस है, क्योंकि उसको होलीनेस को और ट्रुथ को अलग अलग करना है, और इसके लिए उसने जो चुना है वो ये स्पिरिट को चुना है। द वन ऑफ देम ही गेव अ मैसेज टू, एक को उसने मैसेज दिया है, द अदर बाय हिमसेल्फ स्टेट अदर वर्क टू डू, और जो दूसरी जो स्पिरिट थी वो उसको अपने पास ही रखा है किसी और काम के लिए, राइट। 39th स्ट्रैंजा हम शुरू कर रहे, ही मेकिंग स्पीडी वे थ्रू स्पर्स्ड एयर, और वो जो एक स्पिरिट थे जिसको कि काम के लिए भेजा हुआ था, वो जल्दी से जाती है थ्रू द डिस्पर्स्ड जो एयर होती है, स्प्रेड एयर होती है, उसके थ्रू वो जाती है, एंड थ्रू द वर्ड ऑफ वाटर वाइड एंड डीप। अब वो जा रही है मॉर्फस के घर पे, तो मॉर्फस जो है वो सी के, ओशन के अंडर में रहता है, ठीक है, तो वो वाटर के वाइड और डीप, जो ओशन का वाटर होता है वो वाइड भी होता है, वो डीप भी होता है, तो वहाँ से वो क्रॉस करते हुए नीचे जाती है, टू मॉर्फस हाउस दैट हेस्टिली रिपेयर, वो जल्दी जल्दी जाती है मॉर्फस के घर पे। तो मॉर्फस हमें पता है वो गॉड ऑफ स्लीप एंड ड्रीम है, एमिड द बाउल्स ऑफ अर्थली स्टीप, तो उसका जो घर है वो एमिड द बाउल्स, बाउल का मतलब होता है आते या पेट, यानी कुल मिला के अर्थ की जो गहराइयों में है उसका घर है, स्टीप बहुत डीप में है। एंड लो वेयर डाउनिंग डे दैट नेवर पीप, और इतनी गहराइयों में, इतनी डार्कनेस में है कि जो उगता हुआ सूरज है उसकी रोशनी कभी वहाँ तक नहीं पड़ती है, वो कभी सूरज कभी पीप भी नहीं करता है, वहाँ झांकता भी नहीं है, वहाँ पे इतनी गहराइयों में वहाँ डार्कनेस है, कंप्लीट डार्कनेस। हिज ड्वेलिंग इज, उसका घर वहाँ पे मॉर्फस का, देयर टेथिस हिज वेट बेड दैट एवर वॉश, और टेथिस जो है वो ओशियनस की वाइफ है, यानी ओशन की वाइफ है, और वो टेथिस जो है उसके वेट बेड को जो है वो वॉश करती है, क्योंकि ओशन के अंडर में है उसका घर और उसके बेड को वो वॉश करती है टेथिस। एंड सिंथिया स्टिल दैट स्टीप इन सिल्वर ड्यू हिज एवर ड्रूपिंग हेड, और जब वो सो रहा होता है तो सिंथिया यानी मून जो है उसके हेड को क्या है, एवर ड्रूपिंग हेड का मतलब सोते हुए जो उसका सर है उसको सिल्वर ड्यू से, सिल्वर ओश से उसको वॉश करती है। वाइल सैड नाइट ओवर हिम हर मेंटल ब्लैक दैट स्प्रेड, जो नाइट है, जैसे जब हम सोते हैं तो हम क्या करते हैं, अपने अपने ऊपर एक कवर ले लेते हैं, उसको यहाँ पे मेंटल बोला गया है, और ओवर हिम हर मेंटल ब्लैक दैट स्प्रेड, और अपनी एक डार्कनेस उसके ऊपर स्प्रेड कर देता है। तो एक ब्यूटीफुल इमेजरी यहाँ पे दी गई है, मॉर्फस जो है वो गॉड ऑफ स्लीप एंड ड्रीम है, तो जब हम सोते हैं तो जनरली नाइट में ही सोते हैं, डार्कनेस में ही सोते हैं, तो यहाँ पे बिल्कुल एक डार्कनेस दिखाया गया है, उसकी जो ड्वेलिंग है वो अर्थ के अंडर में, ओशन के अंडर में दिखाई गई है, टेथिस जो है उसके बेड को वॉश करती है, सिंथिया उसके सर को ड्यू से, सिल्वर ड्यू से वॉश करती है, और नाइट जो है उसको एक डार्क क्लोक पहनाती है। तो अपने अपने दिमाग में भी आप एक इमेज इसकी बना सकते हैं, ठीक है। तो मेरा आपको समझ में आ रहा होगा, 39 पैराग्राफ तक हमने कर लिए, स्टैंजा हमने कर लिए, अब अगला स्टैंजा हम अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू।